जय हिंद। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा अलग है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ SBI क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको SBI क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आप SBI का क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा पाएंगे, इसके बारे में हम आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करता हूँ ये अनबॉक्सिंग आज का। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो उसके 7 डेज में आपको कार्ड मिल जाता है। कार्ड जब मिलता है आपको तो कुछ इस तरह का दिखता है, जो इस लिफाफ में पैक रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसी को हम आज दिखाएंगे अनबॉक्स करके। तो इसको मैं फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चिपका हुआ है, इसको यहाँ से खोलना है, या फिर कटर है तो कटर से आप काट सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से फाड़ देता हूँ हाथ से ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर पूरा एकदम सिल्वर चीज, सिल्वर का टेप चिपका हुआ है। लगता है ये पूरा चांदी चांदी है, हालांकि है नहीं, बस दिख रहा है ऐसा। तो मेन तो यही इन्वॉल्व है, इसी में कार्ड है, इसी में प्रेम पत्र है, जिसमें लिखा है कि आपका कितना लिमिट है, नहीं है। तो ये भी खोल के फटाफट से आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको खोलने सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे सारा एड्रेस वगैरह है, किसके नाम से कार्ड है, कहाँ पे डिलीवर होना है, सारा एड्रेस लिखा है। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है सारा कुछ, और जो कार्ड है, योर सिंपली क्लिक SBI कार्ड है। तो फटाफट से इसको मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद अंदर क्या है दिखाता हूँ। ओ भाई देखिए, यहाँ पे नंबर छप गए हैं, टैप का जो नंबर है वो छप गया। कितना हार्ड है ये टैप, पता है, ताकि कोई फ्रॉड ना करे कस्टमर के साथ। देखो इसको, तो ये एक दफा फिर से यहाँ अंदर भी चिपका हुआ है, ये नहीं कि वो टैप लगा दिया तो चिपका हुआ, नहीं, एक और चिपका हुआ है। तो इसको भी फटाफट से उखाड़ लेता हूँ मैं, बड़ा हार्ड चिपका हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से मैंने फाड़ दिया इसको। इसको आप लोग कटर से काट लेना, नहीं तो ये सब वहियातपना काम है ऐसे फाड़ना, ठीक है। तो ये निकालता हूँ, इसके अंदर क्या क्या प्रमाण पत्र हैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले ये है, जिसमें मेरा पूरा डिटेल्स है, इधर कार्ड का डिटेल्स है, इधर मेरा एड्रेस है, और इसी के अंदर एक कार्ड भी है दोस्तों। ये रहा कार्ड, इसको आप, मैं तो नंबर आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कार्ड दिखा देता हूँ, इसका शकल कैसा है, नहीं है, और ये प्रेम पत्र है क्या है, इसमें आप लोग को मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो कार्ड यहाँ से प्यार से, बड़े प्यार से निकाल लेंगे। इधर CVV है इस पार, तो मैं आप लोग को CVV और कार्ड नंबर तो नहीं दिखा सकता। कार्ड नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कार्ड पूरा ये जो है बंद करके रखा हुआ है, देख रहा है आप लोग को। और यहाँ CVV है, CVV मैं आपको हाइड करके दिखा रहा हूँ। तो एक कार्ड रहा, इसको मैं तब तक साइड में रख देता हूँ। अब ये है, इसमें पिन जनरेशन का पूरा कंप्लीट गाइड किया हुआ है। जिसको पिन जनरेट करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करना, मैं पिन जनरेट वाला वीडियो भी बना दूंगा। और इस तरफ यहाँ पे लिखा है प्राइमरी कार्ड नंबर, मेरा कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लिखा है, और एडिशनल कार्ड नंबर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो मुझे लिमिट मिला है दोस्तों, वो 23,000 का मिला है, और स्टेटमेंट जनरेशन डेट जो है 11 ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के 11 तारीख को इसका बिल जनरेट हो जाएगा। तो 11 को अगर बिल जनरेट होता है तो इसका मतलब है आपको कब बिल पेमेंट करना पड़ेगा, 1 सप्ताह या 10 दिन का टाइम मिलता है, मतलब टोटल 45 डेज का टाइम मिलता है आपको बिल पे करने का, बिना कोई चार्ज के। तो ये रहा डिटेल्स, और कार्ड का अनबॉक्सिंग तो पहले ही दिखा दिया हूँ, और इस बार भी कुछ गाइडेंस किया हुआ है
जो आप कर सकते हैं, आपके पास समय है तो उसके भी। आप लोग को भी SBI का क्रेडिट कार्ड बनाना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आप लोग के साथ बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है 750 होना है, और उससे अधिक हो, जितना अधिक हो वो बेहतर है, कम से कम 750 होना है। दूसरा ये है कि आपका जो इनकम है, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका इनकम कम से कम 20,000 होना है, और यदि आप प्राइवेट काम अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो कम से कम 30,000 इनकम होना है आपके पास, तो ये कार्ड आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। यदि आपका SBI में अकाउंट हो या ना हो उससे कोई चक्कर नहीं है, कार्ड तब भी बन जाता है। इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है, और इसके लिए कोई एजेंट से संपर्क करना पड़ता है। यदि आप लोग को भी बनवाना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी आपको रुपया नहीं लगेगा। हाँ, इस कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो 499 प्लस 18% GST है, जो कि सालाना आपको पे करना पड़ता है। यदि आप साल भर में 1,00,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं इस कार्ड से, तो आपको जो अगले साल का एनुअल चार्ज है 499 रुपये प्लस GST वो नहीं पे करना पड़ता है। साथ में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जब आप कार्ड बना लेंगे तो आपको कार्ड मिलेगा, उसके बाद वो सारे बेनिफिट्स आपको पता लग जाएंगे। साथ में ही ये कार्ड आपका ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चलने वाला चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये वीज़ा कार्ड है तो इंटरनेशनल भी चल सकता है। तो और अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा दोस्तों, इसका पिन जनरेशन आपको दिखाऊंगा, ATM मशीन तथा आपका जो इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग से भी बना के दिखा दूंगा आप लोग को, और ATM से भी जाके मैं आप लोग को वीडियो जरूर दिखा दूंगा। धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आप लोग को इस तरह का वीडियो जो है लगातार मिलते रहेगा। अनबॉक्सिंग का तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़रूर मिलेगा आप लोग को।